we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. हेलो एवरीवन, आज मैं मैनहट्टन सिटी आया हूँ। बहुत ही अच्छा मौसम है। पहले रास्ते में बारिश हो रही थी तो मुझे लगा यार थोड़ा कट जाएगा, बट लकीली थोड़ा बहुत सन है, बट अमेजिंग वेदर है। और आज मैं अपनी एक ख़ास फ्रेंड से मिल रहा हूँ। मेरी एक कॉमन फ्रेंड है, उसने मिलवाया है, और लकीली वो भी मुंबई से है और मैं भी हाफ महाराष्ट्रियन हूँ। तो आज उससे मिलने का प्लान है और आप सबको भी उससे मिलवाते हैं और फिर घुमाते हैं मैनहट्टन। फाइनली मैनहट्टन बहुत बड़ा है, बट फ्रेंड मिल गई है, बस वो रोड ही क्रॉस कर रही है, आप सबको मिलवाते हैं उससे। हेलो, हाउ आर यू? ये नया वाला है क्या? नया वाला ये कैमरा नहीं यार, इसी में बना रहा हूँ। पहले आईफोन से ही शुरू किया था, फिर काफ़ी सारे व्यूअर्स ने बोला थोड़ी क्वालिटी अप करो, अपग्रेड करो। सो थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ क्योंकि माइक लगानी पड़ेगी, वरना ऑडियो अच्छा नहीं आएगा और ऑडियो की दोबारा कंप्लेन सुन नहीं सकता मैं। सो टाइम स्क्वायर पहुंच गए हैं, बहुत दिनों बाद निकला हूं बाहर, और स्पेशली टाइम स्क्वायर तो बहुत दिनों बाद आया हूं, और यहां की फील ही अलग है। जब भी आओ ना, एक अलग सी एक्साइटमेंट, एक अलग सी वाइब मिलती है जो और कहीं नहीं मिल सकती। न्यूयॉर्क इज न्यूयॉर्क एंड मैनहट्टन इज मैनहट्टन। यस, एंड दैट्स माय फ्रेंड नम्रता। नम्रता, एंड चलो यार अपने बारे में बताओ कुछ। मैं भी मुंबई से हूँ और अभी अभी यहाँ पे मूव हुई हूँ, और मैं भी जानने की कोशिश कर रही हूँ इनकी तरह यहाँ का कल्चर, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिफरेंट है इंडिया से, और मुझे लगता है लाइफ में सबको एक बार यहाँ पे आके एक्सप्लोर करना चाहिए, मतलब इट्स ब्यूटीफुल। और मेरे को एक और चीज़ पूछनी थी आपसे, बिकॉज वेन हम एक ऐसे इवेंट में मिले थे जो एक मॉडलिंग इवेंट था, एंड शी इज अ मॉडल, फैशन मॉडल फ्रॉम मुंबई, मुंबई में भी मॉडलिंग कर रही है, अब न्यूयॉर्क में आके न्यूयॉर्क में मॉडलिंग कर रही है, व्हिच इज अमेजिंग। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि तुम खुद ही बता दो कि मॉडलिंग कैसे शुरू की मुंबई में, और मुंबई से न्यूयॉर्क, मतलब मुंबई जाना चाहते हैं तुम तो न्यूयॉर्क पहुंच गई मॉडलिंग करते करते, तो हाउ कम एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस? या मैंने मुंबई में बहुत पहले 2013 में मॉडलिंग चालू की थी, और मेरा जर्नी बहुत अच्छा गया। आई डिड लैक्मे, मनीष मल्होत्रा, तरुण दलानी, ऑल द फैशन शोज ऑल ओवर द कंट्री, एंड अदभार भी किया मैंने, लाइक श्रीलंका, दुबई वगैरह वगैरह। तो मेरी जर्नी अच्छी रही, बट फिर मुझे प्यार हो गया। अच्छा, ये अच्छा। एक पंजाबी लड़के से प्यार हो गया मुझे, और वो भी थे इंडिया में, बट फिर मुझे पता चला कि वो US में रहते हैं, एंड हम लोग ने बहुत ट्राई किया कि लॉन्ग डिस्टेंस नहीं करने का, बट फिर भी लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। 4 साल हमने किया और बहुत मुश्किल था, बट फाइनली हमने डिसाइड करना था कि बॉम्बे में रहना है कि यहाँ रहना है,
तो बहुत ट्राई करके, बहुत चीज़ें ट्राई करने के बाद हमें रास्ता मिला कि मुझे यहाँ आना पड़ेगा. और मेरा करियर गिव अप करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज आई वॉज सो गुड देयर. बट देन आई वॉज लाइक, न्यूयॉर्क है, अलग है, एक्सप्लोर करेंगे. तो यार सारे जाना चाहते हैं, सबका सपना होता है न्यूयॉर्क जाने का. तो प्यार भी इतनी अच्छी जगह हुआ, बंदा भी ढूंढा न्यूयॉर्क से. वाह, यहाँ पे थोड़ा इंडियन कल्चर लेके आते हैं, यहाँ के लोगों को बताता है कि हमें क्या आता है. No, that's wonderful. That's what. So what type of modeling are you doing here? I was doing RAM shows like Lakme, Manish Malhotra and all that thing. Okay, और यहाँ पे please tell everyone your Instagram handle, क्योंकि मैं तुम्हें follow करता हूँ, बहुत ही अच्छा handle है. And please give me some tips, क्योंकि मेरा Instagram तुम्हारे Instagram channel के आगे बहुत ही वीक लगता है, जैसे तुमने पूरा उसको बनाया हुआ है. इट लुक्स अमेजिंग. सो वो आप सबको बता दो एक बार. मेरा इंस्टा हैंडल है नम्रता गुजारन, ये लिख देंगे नीचे. हां, आई विल पुट लिंक भी डाल देंगे. और मेरा YouTube चैनल भी है. मेरा इंडिया में YouTube चैनल था जो हिंदी में है, बट यहां पे आने की वजह से और YouTube पॉलिसी की वजह से आई हैड टू चेंज इट. तो इसीलिए यहाँ का अलग चैनल है. तो अगर आपको यहाँ का लाइफस्टाइल देखना है, मैं मेरी जर्नी देखनी है, तो प्लीज फॉलो मी. यस, तो मैंने वैसे तो मैं खुद अभी मैंने शुरुआत किया है. एंड थैंक यू ऑल, मैं हर बार थैंक यू बोलता हूँ कि मेरे को इतने सब्सक्राइबर्स मिल गए और इतना प्यार मिल रहा है. बट इनका चैनल का लिंक मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा. यू विल सी दैट इन द स्क्रीन फ्लैशिंग. एंड वी विल वर्क टुगेदर. यस, एंड काफी इंटरेस्टिंग चैनल है इनका. इट्स इन इंग्लिश. और जो ये जर्नी की बातें करती हैं और जो ये एवरीडे व्लॉग्स बना रही हैं, दे प्रीटी कूल. एंड आई एम श्योर गाइस विल लाइक इट. एंड अब आज का क्या प्लान है यार? मैनहट्टन तो पहुंच गए हैं. कुछ ऐसा खास प्लान नहीं है, बट हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, थोड़े से रेस्टोरेंट जाएंगे, ड्रिंक्स करेंगे एंड यहाँ का थोड़ा कल्चर आप लोग को दिखाएंगे. एंड तुमने मेरे को मैसेज किया था कि कोई स्पॉन्सर्ड फूड एंड ड्रिंक, व्हाट इज दैट? हम लोग को इनवाइट किया है. तो नॉर्मली, एक सेकंड मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, होता क्या है, मैं एक्चुअली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में था इंडिया में. और तुमने अगर मेरे ब्लॉग्स ट्रैवलिंग देसी को अगर तुम जानते हो, तो काफ़ी जान पहचान है. मतलब दारू खाने पीने में डिस्काउंट्स या फ्री में कई बार खाने को पीने को मिलता है. पहली बार हो रहा है मेरे साथ कि कोई मेरे को मिला है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम. एंड सीधा मेरे को मैसेज आता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फूड एंड ड्रिंक. मैंने बोला वाह, न्यूयॉर्क में कॉम्प्लीमेंट्री, इनसे तो रोज मिलना. दिस इज सो गुड. मेरा इंस्टाग्राम फॉलोवर्स बढ़ गया 10,000 इन अ मंथ. तो न्यूयॉर्क में थोड़ा घूम रहा है वो, इसीलिए यहाँ के किसी अच्छे क्लब वालों ने, इवेंट वालों ने हमें इन्वाइट किया है. तो मैंने इनको बोला जाते हैं वहाँ पे और एक्सप्लोर करते हैं. इट्स लाइक अ रूफ टॉप. तो रूफ बार, रूफ टॉप बार एंड रेस्टोरेंट शुड बी अमेजिंग. तो आप सबको वहाँ लेके चलते हैं. एंड वी हैव सम ड्रिंक्स, बट ड्रिंक्स मेरे को बड़े ध्यान से करनी पड़ेगी, क्योंकि आई एम ड्राइविंग. So we do not promote alcohol. I'm not promoting drinking and driving. Some mocktails. Or cappuccino, iced coffee. You can do that. You can drink. I see. मैं देख के कोई हो जाऊँगा यार. दिन में थोड़ा weird लगता है मेरे को. ठीक है, चलता है. So चलें. Let's go. मेरा गला खराब है, टॉन्सिल इन्फेक्शन से मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, एंटीबायोटिक्स पे हूँ, बट चलेगा. बहुत ही आइस है यार इसकी लगने वाली है. इनका ये स्मॉल है. हाँ, लार्ज. यहाँ पे तुमने देखा है कैसे होते हैं सर्व. बर्गर लेने जाओ, साथ में फ्राइज आती है स्मॉल, इतनी बड़ी. एंड रास्पबेरी. यहाँ लोग बहुत खाते हैं यार जंक फूड. एंड इनका साइज देख के भी पता चलता है. वैसे तो मेरा भी साइज बढ़े जा रहा है यहाँ पे. थैंक यू. मैं आपको
चल रिलैक्स, मैंने बुलाया है तुम्हें आज, खाना भी तुम खिला रही हो, दारू भी तुम पिला रही हो। चीयर्स। ये नॉन अल्कोहलिक चीयर्स। नॉन अल्कोहलिक। थैंक यू। या। ये सिल्वर होगा ना? यस। सारे क्रिस्टल्स हैं। हाँ, दीज आर पेंडुलम्स। इस पे अगर आप सवाल पूछोगे तो आंसर करता है आपकी बॉडी के वाइब्रेशन से। यस, आई ट्राई दैट। करना है ट्राई? अभी आप कोई भी सवाल पूछो इसको मन में और फिर ये हिलेगा। पूछो इसको देख के। नहीं, वो यस नो पे ही लेगा। देखो अभी ज़्यादा हिल रहा दिख रहा है। आई थिंक योर आंसर इज यस। यस। सो व्हेन इट मूव्स लाइक दिस इट्स यस, और ऐसे हिलता है तो नो है। पता कैसे चलेगा कि ऐसे है? आपकी तरह हिल रहा था ना तो यस है। दैट्स ऑसम ना। वो ऐसे फिर बहुत फास्ट हिलता है, भले हवा है कुछ भी है, यू विल गेट योर आंसर। मेरी फेवरेट जगह है। मैंने यहाँ पे बहुत फोटोशूट्स किया है और यहाँ पे बहुत अच्छा फाउंटेन है। ड्रिंक्स एंजॉय करने के बाद पीना कोलाडा इज अमेजिंग, और हमें रियलाइज नहीं हो रहा था इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है, इतनी ह्यूमिडिटी थी। अच्छा है हम पी रहे हैं, वरना पक्का डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। सो हम अभी कहाँ पे आए हुए हैं? अभी हम ब्रायंट पार्क आए हुए हैं, और यहाँ पे लोग मतलब यहाँ पे अमेरिकन कल्चर है कि उन लोग को गार्डन में आके वो सिर्फ अपना पिकनिक मनाते हैं, लाइक उनको दोस्तों के साथ बैठ के। सेंट्रल पार्क, सेंट्रल पार्क थोड़ा बड़ा हो गया। सिमिलर, हाँ अभी ये छोटा है थोड़ा। बट यहाँ पे एक चीज मेरे को अच्छी लगी, आप सबको दिखाते हैं, यहाँ पे टेबल टेनिस की टेबल्स लगी हुई है, सब कुछ है यहाँ पे, और लोग आराम से खेल रहे हैं, कोई भी किसी के साथ खेल रहा है, चिल कर रहा है, खाना खा रहे हैं। पीछे कोई कॉन्सर्ट है क्या? वो गाना गा रहे हैं, समवन इज सिंगिंग। सो बहुत ही चिल्ड आउट सीन है, बहुत ही अमेजिंग सीन है। No, we are good, thank you. Yeah. We are not that witty. Good, sir. Not that witty to play. और ये लेफ्ट में क्या क्या है यार आगे? ये बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी। हम थोड़ी देर में आगे से देखते हैं, बहुत अच्छा है। इट्स ह्यूज, दिख रहा है आपको कितना बड़ा है? Yeah, this is lovely. But मैं, मेरे को पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है। कभी नहीं पढ़े बचपन से, देख सकते हैं। कब ले रहे हो फिर? लेते हैं अगले साल, स्पॉन्सर मिलेगा ना स्पॉन्सर। ये वाले देखो, वाओ, वो प्लम कलर, प्लम चेरी, या सो प्रिटी। Thank you.
वंस अगेन एंड काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद, काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद फाइनली चिल कर लिया, चिल करने का टाइम मिला और थैंक्स टू नम्रता एक अच्छी सी मॉकटेल पीने को मिली और सुशी खाने को मिली। बहुत डार्क था अंदर और बहुत म्यूज़िक था, इट वॉज़ लाइक अ नाइट क्लब, तो इसलिए ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए अंदर, बट काफ़ी मज़ा आया इतना चलने फिरने के बाद। लोग भी मिले, नेटवर्किंग भी की। सो फाइनली दिन काफ़ी अच्छा रहा है और इट्स टाइम टू गो बैक होम नाउ। नम्रता को अभी न्यू जर्सी में रहती है तो वहाँ जाना है, मैं तो खैर न्यूयॉर्क में ही हूँ। और अब बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग की तैयारी, और सरप्राइज ले आएंगे। हाँ, अब नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नया करेंगे और कुछ है माइंड में, वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे, वो आप सबके लिए सरप्राइज। लेट्स कीप इट सरप्राइज। यस, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, माय चैनल, हिज चैनल। कमेंट कीजिए कि आपको और क्या देखना है न्यूयॉर्क में, मे बी वी कैन गो बिकॉज ऑफ यू। यस, सो चलें फिर, बाय बाय करें। या चलो जी, सी यू, मिलते हैं जल्दी। चीयर्स। Cheers. That comment. Is very important for your support, guys. Comment. आप लोग को और That is very important for our support, guys. Sorry. Our support. Yeah. Your support. आपकी support की बहुत ज़रूरत है. Yes.